दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग विक्टोरियन एज के एक बहुत ही फेमस पोएट, कल्चरल क्रिटिक और स्कूल्स में इंस्पेक्टर मैथ्यू आर्नोल्ड की लाइफ को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही फेमस कल्चरल क्रिटिक थे उस टाइम के, इनके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। जैसे ये एक सेज पोएट थे, इन्होंने अपना एक वर्क लिखा था स्टडी ऑफ पोएट्री, उसके अंदर टच स्टोन मैथड दिया था अपना। इनके फादर एक हेडमास्टर थे रग्बी स्कूल के। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग के बाद दोस्तों ये बहुत बड़े पोएट थे विक्टोरियन एज के, इनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। शुरू करते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड दोस्तों विक्टोरियन एज के एक बहुत ही फेमस पोएट और कल्चरल क्रिटिक थे। इनके फादर का नाम था थॉमस आर्नोल्ड, जो कि रग्बी स्कूल में एक हेडमास्टर थे। अब मैथ्यू आर्नोल्ड को एक सेज राइटर बोला जाता है। दोस्तों सेज राइटर का मतलब क्या होता है? विक्टोरियन एज में ये सेज राइटिंग एक पॉपुलर राइटिंग थी, एक क्रिएटिव नॉन फिक्शन राइटिंग, जिसको 1953 में जॉन हॉलोवे नाम के एक राइटर थे, उन्होंने अपनी बुक द विक्टोरियन सेज नाम की बुक के अंदर 1953 में ये कॉन्सेप्ट को ओरिजिनेट किया था, ये सेज राइटिंग के कॉन्सेप्ट को। इसके अंदर क्या होता है, एक राइटर अपनी राइटिंग के ज़रिए रीडर को सोशल इश्यूज़ के बारे में बताता है अपनी राइटिंग में, फिलोसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इन सब का यूज़ करके। ये सेज राइटिंग में कुछ फेमस नाम है मैथ्यू आर्नोल्ड, जॉन रस्किन, हेनरी डेविड थोरू और थॉमस कार्लाइल, ये सब इस टाइप की राइटिंग्स लिखा करते थे। 1836 में मैथ्यू आर्नोल्ड को वेंचेस्टर कॉलेज में भेजा गया, फिर वापस ही अपने फादर के पास रग्बी स्कूल में वापस आ गए एक साल बाद ही। इस टाइम पर इन्होंने अपने कुछ पोएम्स की मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह लिखी थी। इस टाइम पर दोस्तों इनको स्कूल में एसेज की राइटिंग का भी बहुत शौक था, जिसके लिए इनको बहुत सारे प्राइज मिले। लैटिन में भी ये पोएट्री लिखा करते थे। 1841 में इनको ऑक्सफोर्ड की स्कॉलरशिप मिली और वहाँ जाकर दोस्तों इनकी दोस्ती और ज़्यादा स्ट्रांग हुई आर्थर ह्यू क्लब से। दोस्तों इनके लिए इन्होंने एक पोएम भी लिखी है इनकी डेथ पर, थायरसिस नाम की, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। दोस्तों उस जगह पर रहते हुए भी इस टाइम पर इन्होंने ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया था, तभी सडनली इनको न्यूज़ मिलती है कि इनके फादर की डेथ हो चुकी है 1842 में। फिर 1843 में आर्नोल्ड को इनकी पोएम क्रॉमवेल के लिए न्यूडिगेट प्राइज मिलता है। फिर ग्रेजुएशन हुई और 1849 में इन्होंने अपनी फर्स्ट बुक ऑफ पोएम को पब्लिश करवाया, जिसका नाम था द स्ट्रेट ट्रैवलर। फिर अगले ही साल 1850 में वर्ड्सवर्थ से इनकी दोस्ती थी तो उनकी डेथ हो गई, तो आर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ के लिए उनकी याद में एक मेमोरियल वर्सेस नाम का वर्क लिखा फ्रेजर्स मैगजीन में। फिर इन्होंने शादी की, इनके 6 बच्चे हुए। फिर एक स्कूल इंस्पेक्टर की ये ड्यूटी कर रहे थे, जिसको ये बड़ा ही हार्डवर्क वाला काम मानते थे। फिर 1852 में इन्होंने अपनी सेकेंड बुक ऑफ पोएम्स एम्पीडोकल्स ऑन एटना को पब्लिश करवाया, बाद में स्कॉलर जिप्सी को भी शामिल किया गया। दोस्तों स्कॉलर जिप्सी के बारे में बताना ज़रूरी है, इनका ये जो वर्क है स्कॉलर जिप्सी, ये एक पोएम है जो कि बेस्ड है जोसेफ ग्लैनविल के एक वर्क द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग पर। उसमें क्या होता है, ऑक्सफोर्ड का एक गरीब स्टूडेंट होता है, उसकी स्टोरी है दोस्तों द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग की। ये ऑक्सफोर्ड का एक गरीब स्टूडेंट होता है, वो अपनी पढ़ाई छोड़कर जिप्सीज का ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। जिप्सीज वो होते हैं जो घूमते रहते हैं, मतलब बंजारे टाइप के, और उनका ग्रुप ज्वाइन करने के बाद में वो जिप्सीज के बहुत सारे सीक्रेट्स जान लेता है। फिर उसे ऑक्सफोर्ड के दो जान पहचान के उसके दोस्त मिलते हैं, तो वो उनको भी जिप्सीज के बारे में बताता है कि ये लोग बहुत कुछ जानते हैं। तो इस पर, इस द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग पर आर्नोल्ड ने अपनी स्कॉलर जिप्सी लिखी। फिर 1861 में द पॉपुलर एजुकेशन ऑफ फ्रांस, 1879 में डेमोक्रेसी, 1865 में एसे इन क्रिटिसिज्म, फिर 1866 में थायरसिस, जो कि इन्होंने अपने दोस्त क्लब के लिए लिखी थी, जो कि 1861 में गुजर गया था। दोस्तों ये पोएम थायरसिस एक पास्टरल एलर्जी है, जो कि इन्होंने अपने दोस्त आर्थर क्लफ की याद में लिखी थी, मैंने आपको बताया था, जिससे इनकी ऑक्सफोर्ड में दोस्ती स्ट्रांग हुई थी। वो सिर्फ 42 की एज में गुजर गया था, तो उनकी याद में आर्नोल्ड ने ये पोएम लिखी। और आर्नोल्ड ने ये जो कैरेक्टर है थायरसिस, ये वर्जिल के वर्क से लिया है। फिर सोशल क्रिटिसिज्म में आर्नोल्ड ने अपना सबसे ज़रूरी वर्क दोस्तों कल्चर एंड एनार्की को लिखा, 1869 में पब्लिश हुआ था ये वर्क। इनका ये वर्क एसेज की एक सीरीज थी, एक्चुअली इसको पूरी बुक की फॉर्म में 1869 में पब्लिश करवाया गया था। दोस्तों मैंने बोला था 1869 में पब्लिश करवाया गया था, तो पूरी बुक में है ना, और 1875 में इसमें
प्रीफेस को ऐड किया गया था। इस बुक में उन्होंने अपने कुछ फेमस टर्म्स को कॉइन आउट किया है, जैसे कल्चर, स्वीटनेस एंड लाइट। ये स्वीटनेस एंड लाइट जो है ये जोनाथन स्विफ्ट की टर्म थी, फ्रेज थी दोस्तों एक्चुअली, तो इसको पॉपुलर किया था मैथ्यू आर्नोल्ड ने। तीसरी टर्म है बारबेरियन, चौथी फिलिस्टीन। ये फिलिस्टीनिज्म जो है इसका मतलब है उन्होंने विक्टोरियन एज में जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन थी, नैरो माइंडेड, उनके लिए ये टर्म लिखी है दोस्तों। और हैब्रिज्म, तो दोस्तों और दूसरी टर्म्स भी हैं, ये कुछ फेमस टर्म्स को कॉइन आउट किया था इस वर्क के अंदर, कल्चर एंड एनार्की के अंदर। रिलीजियस क्रिटिसिज्म में दोस्तों लिटरेचर एंड डॉगमा नाम का 1873 का इनका बहुत ही फेमस वर्क है। फिर 1883 और 1884 में ये US और कनाडा गए घूमने के लिए, एजुकेशन और डेमोक्रेसी और एमर्सन पर वहाँ पर इन्होंने लेक्चर्स दिए, रैल्फ वाल्डो एमर्सन पर। फिर 1883 में ही ये अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के मेंबर बने। फिर सडनली 1888 में हार्ट फेलियर से इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन इनके कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो GWE रसेल ने इनके लिए लिखा है कि ये वर्ल्ड की सारी वर्ल्डलीनेस से फ्री थे और हाई सीरियस पॉइट थे। इनको टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग के बाद में तीसरा ग्रेट विक्टोरियन पॉइट माना जाता है दोस्तों अक्सर। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आर्नोल्ड ने अपना करियर शुरू किया था 1853 से, प्रीफेस टू द पोएम्स से। उन्होंने क्लासिकल ग्रीक राइटर्स और विलियम वर्ड्सवर्थ से सीखा। फिर उन्होंने ऑक्सफर्ड में अपॉइंट होने के बाद में अपने कुछ लेक्चर्स दिए, जैसे ऑन ट्रांसलेटिंग होमर। इस वर्क में उन्होंने अपने कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म दिए हैं दोस्तों, ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट को लेकर, जैसे कि दूसरी वॉल्यूम लास्ट वर्ड्स ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, दोनों वॉल्यूम्स की बहुत तारीफ हुई दोस्तों। और इनका वर्क ऐसे इन क्रिटिसिज्म, इसका बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ा क्रिटिक्स पर। और दोस्तों इनका बहुत ही फेमस वर्क द स्टडी ऑफ पोएट्री, इसमें उन्होंने बोला है विदाउट पोएट्री और साइंस विल अपीयर इनकम्प्लीट एंड मोस्ट ऑफ व्हाट नाउ पासेस विद अस फॉर रिलीजन एंड फिलोसफी विल बी रिप्लेस्ड बाय पोएट्री। ये इनका कहना था स्टडी ऑफ पोएट्री में। और सोशल क्रिटिसिज्म में मैंने आपको बताया ही कल्चरल एंड एनार्की इनका बहुत ही फेमस वर्क है। जर्नलिस्टिक क्रिटिसिज्म में भी दोस्तों मैथ्यू आर्नोल्ड ने न्यू जर्नलिज्म नाम की एक टर्म को कॉइन आउट किया था। और रिलीजियस क्रिटिसिज्म में इन पर इन्फ्लुएंस था इनके फादर का, तो ये बिल्कुल ही इस बात को रिजेक्ट करते थे कि रिलीजन में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद लास्ट बहुत ही ज़्यादा नोट करने वाली बात दोस्तों, इन्होंने अपने वर्क स्टडी ऑफ पोएट्री में एक टर्म को कॉइन आउट किया था। इस टर्म का नाम है टच स्टोन मैथड। ये टच स्टोन मैथड क्या था, स्टडी ऑफ पोएट्री में आर्नोल्ड ने ग्रेट पार्ट्स जैसे होमर, दांते, शेक्सपियर, मिल्टन, इनकी कुछ लाइंस को रिकमेंड करते हैं और इसे वो बोलते हैं टच स्टोन्स। मतलब एक पोएट्री में ये टेस्ट करने के लिए कि उसमें हाई पोएटिक क्वालिटी है या नहीं। आर्नोल्ड के आइडियल पार्ट्स थे होमर, सोफोक्लिस, दांते, मिल्टन और वर्ड्सवर्थ, लेकिन वर्ड्सवर्थ को ये फर्स्ट रैंक में रखते हैं। उसका रीज़न उनकी पोएट्री नहीं है, वर्ड्सवर्थ की पोएट्री बिल्कुल नहीं है, बल्कि क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ को लेकर ये उनको फर्स्ट रैंक में रखते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।